पूर्वी दिल्ली में कमेटी के नाम पर फिर हुई धोखाधड़ी। गीता कॉलोनी थाना इलाके में लगभग 3 करोड़ की हुई ठगी। करीब 150 लोगों की कमेटी लेकर महिला हुई फरार। सर्दी से बचने के लिए तैयार है रैन बसेरा। जीटीबी रैन बसेरे में साफ सफाई के नहीं इंतजाम। केयर टेकर ने कहा करीब 10 महीने से मिली है सैलरी। आईपी यूनिवर्सिटी जल्द होगी बनकर तैयार। स्थानीय विधायक ने किया दावा, कहा 2020 में पूरा हो जाएगा काम। पूर्वी दिल्ली में लोगों में दिखा न्यू ईयर का उत्साह। होटल रेस्टोरेंट में न्यू ईयर की तैयारियां हुई पूरी। और पूर्वी दिल्ली के नेताओं के लिए अवैध कॉलोनियां बनी मुद्दा। बीजेपी नेता ने कहा आप सरकार के पास नहीं है मुद्दे, आप नेता ने दिया डीडीए वेबसाइट का हवाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कमेटी के नाम पर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। पीड़ितों ने एक महिला पर कमेटी के नाम पर जमा उनके करोड़ों रुपए डकारने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों के मुताबिक गीता कॉलोनी थाना इलाके में रहने वाली महिला के पास वह पिछले 3 साल से कमेटी डाल रही थी, लेकिन वह महिला अपने पति के साथ फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले कृष्णनगर थाना इलाके में कमेटी डालने के नाम पर एक महिला ने लगभग 12 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। ये हमारे हम इसके पास कमेटियां डाली थी हमने। किस किस के पास? ये हमने रेनू कपूर के पास डाली थी। ये पीछे ही रहती है पार्क के पास। कहाँ पे? ये 16 ब्लॉक में। 1 नवंबर को भागी है ये। 1 नवंबर को किस लिए पैसा डाल रखा था आपने? ये हमारे जैसे हमने मैंने कमेटी डाल रखी थी। मेरी एक के साथ एक, दरानिया, एक, के साथ एक हो गया। दरानिया थी, मेरी फ्रेंड सर्कल था, सबके कार्ड थे, खूब कार्ड थे। भाग गई है और हमारे जान को सारे रो रहे हैं, हमारे से पैसा मांग रहे हैं। मेरी तो तीनों बेटियां जवान बैठी हैं। मेरी तो कमेटी अक्टूबर में खत्म हुई है, लेने के लिए मैं उसके पास गई। तैयारियां भी नवंबर में आपको दे दूंगी। तो मैं 1 नवंबर को उसके घर गई तो ताला लगा हुआ था, वो कहते चली गई है यहाँ से। वहाँ सुबह गए हम पता करके है तो इसके अकाउंट में पैसा है नहीं है। तो वो कह रही है बैंक वाली नहीं, इसके अकाउंट में कोई पैसा है। 3 करोड़ तो तीन करोड़ तो। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा पैसा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जीटीबी इलाके के रैन बसेरे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ सुविधाओं के नाम पर तो काफी कुछ है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरे में रह रहे लोगों ने बताया कि यहाँ बिजली पानी सब सुविधाएं तो हैं, लेकिन साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में प्रशासन से कई बार शिकायत तो की गई, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी की यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। जब रैन बसेरे के केयर टेकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बसेरे में रह रहे लोगों को सफाई की दिक्कत तो है ही, और उन्हें पिछले करीब 10 महीने से सैलरी तक नहीं दी गई है। सर्दियों के लिए रैन बसेरे में अब अक्टूबर में गद्दे आ गए हैं, 20 गद्दे और कंबल हैं 80 हमारे पास, और इसकी जो कैपेसिटी है 45% मेल की है। अभी कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पर? नाइट में आज रात थे 32 लोग और दिन में 22 लोग, 55 लोग हो जाते हैं सुबह शाम। सैलरी की प्रॉब्लम ये डूसुप की वजह से बनी हुई है। वेंडर बदल दिए जाते हैं, वेंडर भुगतान नहीं देते हैं केयरटेकरों को। अभी एक नवंबर से किसी नए के वेंडर को काम दे दिया गया है, वो 10,000 रुपये प्रति माह हमें तनख्वाह देगा। नवंबर की तनख्वाह तो 22 तारीख को दी है, और पिछला जो पैसा है पिछले नवंबर से वो सभी लोगों का रुका हुआ है। यहाँ पर कम्बल भी दिए जा रहे हैं, गद्दा भी दिया जा रहा है, अच्छा चदरे भी हैं। क्या कमी है अभी यहाँ पे? बस कमी यहाँ कार्यकर्ताओं की है, जो बेचारा वो क्या नाम है उसका टेगर, वो बेचारा सफाई कर रहा है और टेकरी की भी नौकरी कर रहा है, वो दो दो काम ही है। यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं था, खाली कारपेट और दरी थी, और अब सर्दी में ये गद्दे दिए जा रहे हैं और कम्बल हैं, डबल भी मिलते हैं कम्बल। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ पे 4-5 महीने हो चुके हैं आज यहाँ पर आए हुए, लेकिन सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं, सब कुछ है। बस ये 3 केयर टेकर हैं, इनकी इनकम में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कंबल भी सब कुछ है, गद्दे भी हैं, सारी सुविधाएँ हैं। सफाई कैसी है? सफाई ये राजीव शर्मा है, वो खुद सफाई करते हैं। आप सुविधाएँ तो पूरी दी जा रही हैं, कंबल हैं, गद्दे हैं। कितने जने यहाँ रुके हुए हैं, कितने की स्ट्रेंथ क्षमता कितने की रुकने की? 40 जने आ जाते हैं नाइट में। गद्दे हैं और चादरें तो थी लेकिन वो गंदी हो गई, वो पैक करवा के भिजवा दी। गद्दे हैं और दो दो तीन तीन कंबल ले लेते हैं जिनको ज्यादा ठंड लगती है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के निर्माण में हो रही देरी पर स्थानीय विधायक ओपी शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को बनाने का काम चल रहा है। हाँ, काम लेट हो गया है लेकिन अब युद्ध स्तर पर यूनिवर्सिटी को बनाने का काम चल रहा है। साल 2020 के बीच में यूनिवर्सिटी की सौगात मिल जाएगी। देखिए, दिल्ली में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो श्रीमान अरुण जेटली जी की अनुकंपा से 285 करोड़ रुपए की लागत से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है उसका कार्य बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला 2020 में ये जनता को समर्पित कर दी जाएगी। और इस समय मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने आप में एक अनोखी इमारत होगी। ये ग्रिड से एक यूनिट बिजली नहीं लेगी, सारी बिजली का उत्पादन खुद करेगी। इसके अलावा एक बूंद पानी सीवर में छोड़ेंगे नहीं, आखिरी बूंद तक अपनी बागवानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार की जो इमारत है, जो पर्यावरण के प्रति जो बहुत ही प्रतिकूल है, और शानदार इमारत और एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ बनने जा रहा है, तो ये ना केवल मेरी विधानसभा बल्कि पूरी की पूरी ईस्ट दिल्ली के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक है। दिल्ली NCR समेत देश भर में नव वर्ष के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर तरफ अभी से हर्ष और उल्लास का रंग नजर आने लगा है। पूर्व दिल्ली के रेस्टोरेंट में सज धज कर तैयार हो गए हैं। मार्केटों में रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं और मार्केट सजे हुए हैं। लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम की तैयारी रखी है। अब बस सभी को 31 दिसंबर की रात 12 बजे का बजने का इंतजार है, जब तारीख बदलेगी और नव वर्ष का जश्न मनेगा। लोगों ने पार्टी और अन्य आयोजनों के लिए बाजारों से खरीदारी की है। देर शाम तक बाजार गुलजार रहे। बड़ा अच्छा अवसर है कि नया साल आ रहा है, नई उम्मीदों के साथ आ रहा है, सभी को नई नई खुशियां मिलती है। तो हमने कोशिश की कि कलरफुल बैलून्स लगाए जाएं, और जैसा कि हमारा कंसेप्ट है, हम चाहते हैं यहाँ लोग घर की तरह फील करें, घर जैसा खाना उनको दे रहे हैं हम, तो उसी के हिसाब से हमने बड़ी सोबर सी डेकोरेशन रखी है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पसंद आए। डेकोरेशन हमने की है, बलून्स लगाए हैं, ज़्यादा ऐसा है कि ज़्यादा फैमिली की तरफ फील आए, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अपना फैमिली की तरफ फील है सबको इस तरह से। हाँ जी, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, इधर डिस्प्ले भी लगाया हुआ है, कुछ नहीं, फ्रेशनेस आती है थोड़ा सा और अच्छा फील होता है इसलिए। हाँ, फ्लावर्स लगवाए हैं, कुछ डेकोरेशन कुछ वैसे हैं, बाहर टेरेस लगवाए हैं, अभी हमारी कुछ डेकोरेशन चल रही है। आज भी हमने न्यू ईयर के लिए अपना लाइव कार्निवल फंक्शन रखा हुआ है, जो हमारे सेफ आकर के आज 5 बजे से रात देर रात तक है ना केक बनाएंगे यहाँ पर। बस इसी तरह की होती है, कोई बैलून्स लग जाते हैं, फ्लावर्स इस तरह के ये फ्लावर के शनील वगैरह लग जाती है, अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर एक बार फिर दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। जब ये कच्ची कॉलोनी का कानून बना था संसद के अंदर, उसके बाद ये कहा गया था कि जो DDA है इन कॉलोनी की बाउंड्री की मैपिंग करेगी। मैपिंग करने के बाद फिर बताया गया कि कौन सी कॉलोनी के अंदर क्या काम होना है, मैपिंग तो हुई नहीं। और क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए एक शोर मच गया, कॉलोनी पास हो गई। और जो वेबसाइट पे जैसे 1600-1700 कॉलोनी को कह रहे हैं पास हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, केजरीवाल के पास अब और कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जो 15 साल कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, 5 साल केजरीवाल सरकार ने नहीं किया, वो मोदी जी ने एक झटके में कर दिखाया। अब ये अपने डिफेंस पर आए हुए हैं और ये छोटी छोटी कमियाँ निकाल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी कच्ची कॉलोनियों के निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो अब कच्ची कॉलोनियां नहीं रही, वो नव अधिकृत कॉलोनियां, नई ऑथराइज कॉलोनियां बन चुकी हैं और उन सबकी रजिस्ट्री चालू है। आप वेबसाइट पर विजिट करिए, DDA की तरफ से ये काम चालू है।
बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेंगे। डीडीए से जहां पर दिक्कत आए, मैं यहां से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें संपर्क करें, हम उनकी दिक्कतें दूर करेंगे। निगम पार्षद दीपक मल्होत्रा ने निगम स्कूल में कंस्ट्रक्शन के काम में खराब मटेरियल यूज किए जाने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि संबंधित जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसा है जी, मुझे कुछ दिन पहले यहाँ पर खबर आई थी कि जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे कि वो इसमें सीमेंट या कोई ऐसी कमी आई है कि वो कम मिला रहे हैं, लेकिन मैंने आपको उस दिन आके चेकिंग पे भेजा अपने जेई को, तुरंत वो थे नहीं, तो उनका मैट यहाँ पर आया और उन्होंने चेकिंग की, तो वो उस समय जब मजदूर काम कर रहे थे तो वो किस समय पहुँचे हैं। अब उन्होंने कहा जी कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करके देख रहे हैं, जेई साहब भी आज हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा मैं पूरा ठेकेदार को टाइट किया है और उन्होंने देखा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, परंतु फिर भी अगर ऐसी कोई कमी नजर आएगी, चेकिंग अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं क्योंकि इन्होंने जेई साहब ने उस वक्त तुरंत भेज दिया था अपने मैट को, लेकिन अगर ऐसी कोई कमी नजर आएगी तो जो ठेकेदार है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी यदि वो माल ठीक नहीं मिलाएगा। पर उद्घाटन के तौर पर तो मैं यहाँ पर आया था एक दिन, लेकिन उसके बावजूद किस दिन यहाँ काम स्टार्ट हुआ वो मुझे नहीं पता था। तो ये बताइए ये काम किस लिए चल रहा है, क्या कुछ यहाँ जो है बनने जा रहा है? ये स्टेज बनने जा रहा है, यहाँ पर एक ग्राउंड बनेगा जिसमें क्रॉसिंग टाइल जो होती हैं वो लगेंगी प्लस स्टेज बनेगा। पूर्व दिल्ली के कैलाश नगर में भागवत कथा का मंगलवार को महाआरती के बाद समापन हुआ। इस दौरान रोज की तरह बड़ी संख्या में लोग भागवत कथा सुनने पहुंचे। महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बीते 23 दिसंबर को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए थे। कलश यात्रा में पीले वस्त्र धारण की हुई कन्याएं और महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं। देखिए भागवत हम लोग पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे हैं और हर वर्ष इसके अंदर लोगों का जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा है, और इस वर्ष तो विशेष तौर पे आपने देखा होगा कि मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा सर्दी दिल्ली में पड़ रही थी, उसके बावजूद भारी जन समुदाय हमारी कथा में उमड़ता रहा, पूरे पंडाल हमारे भरे रहे और लोगों ने भागवत का जो आनंद लिया, और लोग भी बताते हैं जो लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं अभी स्मरणीय है, हम भूल नहीं सकते हैं। ज़्यादा इंतजार रहता है, बड़ा आनंद मिलता है जब हमारा कथाकार पीरियड आता है। वैसे तो हम एक साल पूरी तैयारी में ही लगे रहते हैं, कुछ न कुछ काम हमारा हमेशा चलता ही रहता है, और ये तीसरी कथा थी हमारी, ये 30 साल हमारी कथा के पूरे हो गए हैं, और हम लोग आप लोग सभी बड़े भाग्यशाली हो कि जो इस कथा का 30 साल तक लगातार कंटिन्यूटी बिना रुके हुए हम लोग कथा करा रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद दिल्ली में ऐसी कोई भी संस्था नहीं होगी जो कंटिन्यू 30 साल तक कथा कराने में सक्षम नहीं हो। भगवान की कृपा है, संत की भी मेहरबानी है इसमें कि हमारे पर जो है संतों की भी कृपा है जो 30 साल से कथा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।